क्या एसपी बीएसपी का गठबंधन बीजेपी को सत्ता से दूर कर पाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए पीएके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं। पीएके मिश्रा जी, क्या ये गठबंधन जो है ये मजबूरी है या फिर जरूरी है राजनीति के हिसाब से? नहीं आसिफ, देखिए मैं आपको बता दूं, बीइंग ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट जरा फैक्ट को देखा जाए, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो डिफरेंट चीज़ है, और हमारे सारे मित्रगण केवल अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से ये देंगे पार्टी के हिसाब से। आप ये देखिए, ये गठबंधन करने की इनको ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टियाँ गठबंधन कर रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनका राइवल कौन है? इनका राइवल है बीजेपी, जो एक 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 करके एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट को जीतती चली जा रही है, और इनके सारे फंडे सारे स्ट्रेटजिक जो इफ़र्ट्स हैं वो फेल होते जा रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी जो बाई इलेक्शंस में विजय हुई वो एक लिटमस टेस्ट था इनका, तो इनको लग रहा है कि ये हमारे लिए एक जो है अंतिम विकल्प हो सकता है, एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है, क्यों ना इस रास्ते को जो है अख्तियार करके देखा जाए, इस पे चला जाए, हो सकता है 2019 के इलेक्शंस में इससे रिजल्ट फेवरेबल आ जाए, लेकिन ऐसा होना मुझे बहुत डाउटफुल लगता है। मिश्रा जी, क्या जब गठबंधन की बात की जाती है और बीजेपी के खिलाफ, तो बिहार का क्या नजरिया वो रहता है इनके जहन में कि बिहार में गठबंधन क्या था इसलिए बीजेपी का विजय रथ रोक पाए, क्या इसी वजह? ये नहीं, डेफिनेटली आसिफ देखिए, ये एक एग्जाम्पल जो है, ये माइंड सेट बन करके एक एग्जाम्पल के तौर पे बिहार हर जगह तो नहीं हो सकता है बिहार जैसा। नहीं, मैं बता नहीं, होने को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक हमें देखना चाहिए। देखिए आसिफ, है क्या, बीजेपी आज की डेट में देखा जाए, पहले भले ही कैसी थी, स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग पार्टी है। बिहार में अपनी हार के बाद इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी को ही चेंज कर दिया, गठबंधन की राजनीति को ये समझ गए, और सारे जो है जितने भी दांव पेश होते हैं और उसके लिए इन्होंने एक्शन लिया, अपने अंदर जो जरूरी चेंजेस होने चाहिए कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आती है। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ वहां पे भी तो देखने को देखा जाए तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, तो बीजेपी ने उसको अच्छे तरीके से टैकल किया कि नहीं किया? मैं बीजेपी या किसी के फेवर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल रणनीतिक मुद्दों की बात कर रहा हूं। सवाल यह है, गठबंधन होना दूसरी चीज है। दूसरा पॉइंट आप ये देखिए, गठबंधन किस समय के लिए हो रहा है? 2019 के मेन इलेक्शन के लिए हो रहा है। जब अगर आप मेन इलेक्शन के लिए गठबंधन करोगे तो दोनों पार्टियां स्टेट लेवल की पार्टी है, तो नेशनल लेवल पे वोटर के दिमाग के ऊपर वो इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 100% भी जीत जाते हो दोनों पार्टी मिल करके, तो भी आप केंद्र में सरकार नहीं बनाओगे। पूरे देश के चुनाव से उससे प्रभावित केंद्र सरकार बनती है। नहीं बिल्कुल, देखिए जो स्टेट लेवल का इलेक्शन, आप एक जगह हल्का कर सकते हो। नहीं नहीं, हाँ आप देखिए, आप एक जगह सीटें ज्यादा ले सकते हो, आप एक चुनौती तो दे सकते हैं की सरकार। बिल्कुल, आप बीजेपी के लिए अगर मेन राइवल पार्टी माना जाए तो डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा उनका रास्ता मुश्किल कर सकते हो। लेकिन एके मिश्रा जी, एक कहावत है कि केंद्र का रास्ता यूपी से जाता है, और अगर उस रास्ते को घेर लेंगे तो शायद पहुंचने में दिक्कत तो होगी। नहीं आसिफ, देखिए दो फैक्टर पे आप करिए, तीन पैरामीटर पे आप इसको एनालाइज करिए। पहली चीज, ये गठबंधन किस सन और किस चीज के लिए है? नेशनल इलेक्शन के लिए है। दूसरा, आप ये देखिए कि किस पार्टी के अगेंस्ट है। जो पार्टी के अगेंस्ट ये कर रहे हैं बीजेपी, वो अपने आप में इंटरनली बहुत सक्षम पार्टी, बहुत मजबूत पार्टी है आज की डेट में हर तरीके से, चाहे मैन पावर हो, चाहे स्ट्रेटजिक वे में हो, चाहे मीडिया कैंपेनिंग हो, रणनीति बनाना हो। तीसरा, आप एक चीज और देखिए, गठबंधन में विद इन गठबंधन जो इंटर मतलब आंतरिक वे में जो कॉम्पिटिशन होता है, इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप। आप ये मान के चलिए कि दोनों में गठबंधन हो गया, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम रहेगा, मायावती जी या अखिलेश यादव, दोनों में से कौन आदमी अपने पद का त्याग करेगा? अभी बाई इलेक्शन में ये इसलिए जीत गए क्योंकि बीएसपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया समाजवादी का। एक चीज और, एके मिश्रा जी, और अगर ये जो है मासूम हंसी वापस लौटी है अगर, तो इस हंसी को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को अगर साथ आना पड़ रहा है तो क्यों नहीं, क्यों ना आए हम? नहीं, ये बात आप पर, ये बात अब आपको एहसास हुआ सर, ये आपका परम कर्तव्य है। नहीं, ये बात चेहरे की हंसी को बरकरार रखा जाए। ये डिमोनेटाइजेशन ने देश को जो है गर्त में ढकेल दिया, आपके जीएसटी, बेतरतीब जीएसटी जिस पर कोई किसी तरह की जो है ना अध्ययन हुआ ना कुछ हुआ, और आपने जीएसटी लागू कर लोगों को जो है कहीं ना कहीं आपने जो दोनों पार्टियों का क्या लक्ष्य आपको दिखाई दे रहा है? आसिफ, एक पटल पे आने का लक्ष्य आपको क्या दिखाई? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले ही बताया था, ये सब देखिए क्या है, थोड़ा
आत्मश्लाघा की आदतें पार्टियों में होती है। आप हार्डकोर फैक्ट देखिए, डेफिनेटली अगर ये आ रहे हैं तो इनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। आप पिछले दो चार साल में जो इलेक्शंस हुए हैं अपोजिशन का, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी के फेवर का नहीं बोल रहा हूँ, जो है फैक्ट, जो है वो जो दिख रहा है वो बात, हाँ वो जो दिख रहा है वो है। इनके पास अस्तित्व तो नहीं बचा, इनके पास ग्राउंड नहीं बचा। अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन किया 2017 के चुनाव में, और वो लीथल गठबंधन, मतलब आत्मघाती गठबंधन हुआ। जो बची खुची जमीन थी वो भी गायब हो गई दोनों पार्टी की, और उस गठबंधन का परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी की जो भी जमीन थी वो एक इतना निगेटिव इम्पैक्ट गया कि जो बची हुई जमीन भी थी, राजनीतिक बैकग्राउंड मजबूत था, वो भी गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है बीजेपी के लिए ये रास्ता जो है थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन सिक्के का अगर आप दूसरा पहलू देखेंगे तो ये भी हो सकता है कि ये गठबंधन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए घातक या लीथल या आत्मघाती सिद्ध हो जाए, और वही हालत हो जाए जो यूपी के 2017 में हुआ था। क्योंकि जो आपके राइवल हैं, मैं अपने मित्रों को सलाह देना चाहूंगा, आपके जो राइवल हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी, उनके और अपने बलाबल का सर आप कंपैरिजन भी तो करिए, स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी करिए। मैं बोलता हूं कि आपकी जो राइवल पार्टी है, कंडीशन कितनी भी टफ क्यों ना कर दो या हो जाए, लेकिन अगर आपकी राइवल पार्टी के अंदर क्षमता है, दक्षता है, तो वो इलेक्शन जीतेगी। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट ये आएगा कि इनकी आइडियोलॉजी या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतना वीक है। 84-85 सीट होती है अगर मैं लोकसभा के हिसाब से देखूं, अगर दोनों पार्टी अलग रहती तो पार्टी के 84-84 नेताओं को अपॉर्चुनिटी मिलती। अब 84 नेताओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अगर वो बागी हो गए। अंतरकलह बढ़ेगा। नहीं, अगर वो बागी हो गए उनको कैसे मैनेज करेंगे ये पार्टियां? 2014 में यही तो था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अलग हो गए, दूसरे और लोग अलग हो गए। इनका जो हार्डकोर वोट बैंक है उसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना स्ट्रेटजिकली। किसी और ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे कि जो इनका हार्डकोर वोट बैंक है, जो अभी आप बता रहे थे कि 52% है यादव मुस्लिम और इन सब चीजों का, नहीं इसका इसके अलावा अगर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके इतर परिणाम उल्टे भी तो आ सकते हैं कि दोनों पक्ष देगी। ऐसा भी हो सकता है जो उपचुनाव की तरह कभी अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि दोनों सीटों पर गठबंधन जीत जाएगा। नहीं आसिफ, देखिए मैंने दूसरे चरणों पे उपचुनाव का बोला था, मैंने ये भी बोला था हो सकता है गोरखपुर से भी बीजेपी हार जाए। यहाँ सकता है बात नहीं, मैं दिन भर बोलता रहा, मैं दिन भर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, दोनों चीजों को देखिए। नहीं, मैं बात ठीक है कि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश से ही परिणाम निकल कर जो आता है उसके आधार पर केंद्र की सरकार बनेगी, ठीक है, लेकिन यूपी में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, अगर वहाँ पर सीधा असर पड़ता है केंद्र में सरकार जो बनती है। देखिए आसिफ, मैं आपको बताऊँ, जो नेशनल इलेक्शन होता है नेशनल लेवल पे, इवन यूपी के वोटरों की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो वोटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जो प्रिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए 2014 के इलेक्शन में आप देखिए लोकल पार्टियाँ सपा बसपा ये सब, भाई वोट बैंक तो वही था ना, उनके नेता भी सपा बसपा के वही थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, अखिलेश यादव जी थे और मायावती जी थी, बहन जी थी, लेकिन उनके वोट ने, उनके जो वोटर्स थे हार्डकोर वो क्यों शिफ्ट हो गए? तो मेरे कहने का मतलब नेशनल लेवल पे जब इलेक्शन होगा तो उसका डायनामिक्स अलग होता है, वहाँ पे वोटर्स की प्रेफरेंस नेशनल लेवल पे होती है। दूसरी चीज ये होती है कि बीजेपी को डेंट लगेगा, लेकिन कितना डेंट लगेगा? अब इमेजिन करिए कि नॉर्मली ऐसे कंडीशन में ये होता है कि 10-15% का डेंट लगता है, 10-15% का डेंट लगने का मतलब 7-8 सीट, 10 सीट का नुकसान हो जाएगा। तो बीजेपी के पास ऑप्शन, देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, स्टेट से वो निकाल सकती है। एके मिश्रा जी, कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर बीएसपी की बात करें तो 20-22% उनका वोट अपना होता है जो कहीं वो पार्टी को लिए जाता है। अगर दोनों पार्टियां मिल जाती तो परिणाम कुछ भी निकल कर आ सकते हैं। इसमें बीजेपी के लिए खतरा भी बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं भी बढ़ सकता। नहीं, बीजेपी के लिए खतरा है, मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किलें, उनके जो राह है, राह की मुश्किलें 2019 के लिए उतना इजी नहीं है जितना 2014 में था। सारे खतरों का लब्बो लुआब ये है कि अगर बीजेपी स्ट्रेटजिकली इन सारे खतरों को मैनेज कर ले जाती है, देखिए बहुत स्ट्रांग ये लोग हो गए हैं, तब तो खतरा होना या ना होना बराबर है ना। सवाल यह है कि मैनेजमेंट कैसे होता है। एके मिश्रा जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन जो जिक्र कर रहे हैं मैं इसमें आप ही से थोड़ा सा, देखिए विधानसभा चुनाव आप बात कर रहे हैं दूसरे मुद्दे पर होता है, लोकसभा चुनाव दूसरे मुद्दे पर होता है। जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त लोग काफी ज्यादा परेशान थे महंगाई से, बेरोजगारी से, काले धन से, इन सारी चीजों से, और इन्होंने वादा किया था, सपने दिखाए थे, उन सपनों को इन्होंने पूरा नहीं किया। अब जो चुनाव होगा इतना आसान नहीं होगा,
ये बीजेपी के लिए भी, और दूसरी चीज गठबंधन अगर यूपी में होगा तब और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। देखिए आसिफ, मैं एग्री करता हूँ और मैं इस चीज को खुद बोलता हूँ, एक रिकॉर्डेड मेरा स्टेटमेंट है कि नो मोर क्लीन स्वीप्स बाई बीजेपी। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि देखिए 4-5 साल आपने गंवा दिए और आपने जो प्रोमिसेस किए थे बड़े या छोटे जो भी किए थे, एक्सपेक्टेड डिलीवरी आप नहीं दे पाए। लेकिन अब इससे थोड़ा सा इतर जा कर के आप ये देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सारा रिजल्ट डिपेंड इस चीज़ पे करता है, कंडीशन कितना भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसको मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। 2017 का आप इलेक्शन लीजिए, नोटबंदी इन्होंने किया था, उस वक्त मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि पब्लिक एकदम हौच-पौच कंडीशन थी, बहुत परेशानी में थे, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि 2014 में भी क्लीन स्वीप हो जाएगा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया कि वो क्लीन स्वीप हुए। तो सारा का सारा जो मुद्दा होता है वो जाके खत्म इस चीज़ पे होता है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल क्या है, ग्राउंड लेवल पे कैसे मैनेज करेंगे, नेशनल लेवल पे कैसे मैनेज करेंगे, मतलब आपकी रणनीतिक दक्षता क्या है। बिल्कुल अचल शर्मा जी, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से रास्ता केंद्र की तरफ को जाता है, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश की तरफ से जाता है, और अगर इस रास्ते को दोनों पार्टियों ने घेर लिया तो फिर मंजिल तक पहुंचना आपके लिए कैसे आसान होगा? आसिफ जी बार बार अगर अगर लगा रहे हैं, मैंने आपके दो नहीं, अगर नहीं मैं सवाल बिल्कुल साथ तो कह ही नहीं सकता, मैं 19 दूर है, मैं वही कर रहा हूं, अगर मैं तो लगाना पड़ेगा। अभी ऐसी स्थिति बननी पाज में मैंने आपसे 2-3 बातें पहले भी रखी है, ये चलेगा कैसे, मैं उनसे भी कह रहा हूं इनका नेता कौन होगा, इनका नेतृत्व कौन करेगा, इनका बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, ये आज हवा का रुख कर रहे हैं, ये परिवार को बचाने की बात हो रही है। बाबा देखिए, मेरे पास कोई ऐसे जादू की छड़ी, देखिए अलायंस जो जो वादे उन्होंने किए हैं लगभग उनमें पूरा कर रहे हैं, बिजली गांव में पहुंच गई है अभी तक, गड्ढे भी भरे हैं, कानून व्यवस्था खराब पड़ी है, कानून व्यवस्था किसानों को लेकर किसान कह रहा है कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ जो है आपने खाना पूर्ति की है उत्तर प्रदेश में, कानून वहाँ पे बड़ा अच्छा चल रहा है, चुनाव वहाँ के लोकल लोगों से जाके बात करिए ना सर। अचल जी, अचल जी, क्या आपकी, देखिए आपकी दिक्कतें इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि उपचुनाव दो सीटों पे हुआ, एक मुख्यमंत्री की सीट थी, दूसरी उप मुख्यमंत्री की सीट थी, और दोनों के मेल से जो परिणाम निकल कर आए वो परिणाम आपके लिए चौंकाने वाले, अगर आप वो जीत जाते तो फिर आप कहते डंके की चोट पर कि दोनों गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम वो जीत जाते तो गठबंधन नहीं होता, दूसरा हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा मतलब वो जानबूझ के आपने ऐसा नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने ए के मिश्रा जी कि जो दो पॉइंट मैंने बताए थे कि इसलिए काफी घातक बीजेपी के लिए हो सकता है कि पहले दोनों पार्टियों का गठबंधन और पहला चुनाव और दूसरा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीटें और उसको हार जाना और वो सीट मुख्यमंत्री की जो काफी लंबे वक्त से बीजेपी के खाते में है। असिफ देखिए, आपका एक ये जो थॉट प्रोसेस है 2019 में जो इलेक्शन होगा, आप ये देखिए 5 साल में भारतीय राजनीति में बहुत सारे सिचुएशंस बदल जाते हैं। बीजेपी भी अपना जो नेचुरल ग्लैमर है 2-3-4 साल काम करने के बाद एक नेचुरल डिटेरियेशन होता है, आप उतनी प्रोडक्टिविटी दे नहीं पाए जो आपने प्रॉमिस किया था, नए अलायंसेस बढ़ रहे हैं तो बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी, नए चैलेंजेस आएंगे। उसके साथ साथ अगर ये देखा जाए, दूसरी पार्टियों के लिए भी देखा जाए जो अलायंसेस बन रहे हैं, उन अलायंसेस का आधार क्या है और उनकी दक्षता कितनी दक्षता से ये पूरे के पूरे इलेक्शन को मैनेज करेंगे, इस चीज़ पे जाके ये फाइनल रिजल्ट होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, अलायंसेस की एक हिस्ट्री रही है, आप देखिए आसिफ, जब भी या तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी या ये एकदम आत्मघाती हो जाती है, जैसे कि 2017 के इलेक्शन में आप जाकर के देखिए जो रिजल्ट आए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही डूब गई। तो ये कांग्रेस का जनाधार वहां पर इतना नहीं, नहीं सवाल ये नहीं है जनाधार नहीं था, ये चीज तो समाजवादी पार्टी के भी नेता जानते थे ना, लेकिन उस वक्त अगर उन्होंने अलायंस किया तो यही सोच के किया था कि हमारे लिए बेहतर है, एक जीत की उम्मीद में किया था, हारने के बाद वो तब समझ में आता है, लेकिन हारने के पहले तक तो राजनीतिज्ञों के हिसाब से वो उनकी बेस्ट रणनीति होती है कि सबसे बढ़िया रास्ता यही है। यही चीज अभी समाजवाद, इसको बोलते हैं आसिफ पर्टिकुलरली एक टेक्निकल टर्म है, पॉलिटिकल इल्यूजन। जैसे देखिए अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, इंडिविजुअली मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं और इसके बेसिस पे मैं नेशनल कंसेंसस नहीं बनाता हूं कि हाँ भाई भाजपा इलेक्शन हार गई या भाजपा का जनाधार खत्म हो गया। ना तो बीजेपी के आला कमान उस हार के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, मुझे तो कोई सीरियस नहीं दिखा। ठीक है, विपक्षी पार्टियों को खुशी मनाने का एक मौका आ गया, एक नया जोश उनके अंदर संचारित हो जाता है जो होना भी चाहिए जहाँ पे जीत का अकाल है। अब सवाल ये है कि ये जो सारे के सारे अलायंसेस यहाँ पे हो रहे हैं
उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना होता है, वो अपने इंटरनल चैलेंजेस को अगर अच्छे तरीके से मैनेज कर ले गए ओवरऑल अगर ये देखा जाए, तो ये अलायंसेस बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और कहीं अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए, उसको मैनेज नहीं कर पाए, देखिए ये डबल एजेस वीपन होता है, मैं आपको बताऊं, अगर ये ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो डेफिनेटली इसका। चलिए एक सवाल आपने खड़ा किया, एके मिश्रा जी, महितोष जी, सुन पा रहे हैं आप महितोष जी? सवाल एके मिश्रा जी ने सवाल खड़ा किया, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे पास, उनकी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही सीधी। इन्होंने सीधे तौर पर सवाल किया कि जब विधानसभा चुनाव में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पाए, आप अंतर कलह अपनी पार्टी में नहीं खत्म कर पाए, आप अपनी पार्टी में तोड़फोड़ नहीं रोक पाए, तो जो गठबंधन है, गठबंधन में दोनों पार्टियों के नेताओं का तालमेल कैसा होगा, कैसे होगा, उसको कैसे रोकेंगे आप? बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को, तब पार्टी को और भी ज्यादा नुकसान होने का खतरा होगा, आपकी पार्टी के बड़े नेता भी दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, गठबंधन के तौर पर भी आपको नुकसान हो सकता है संगठन के लेकर। आप एक चीज और देखिए, समाजवादी पार्टी में ऑलरेडी इंटरनल इतना कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा 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 इसलिए नहीं हो सकता कि हुआ हुआ आपकी पार्टी में हुआ विधानसभा चुनाव में एक सबक जी जी बिल्कुल हुआ, ये हुआ है, अब हो नहीं सकता या अब होगा नहीं, क्योंकि सब सूझबूझ वाले हैं, सब वैचारिक लोग वही हैं, सब नेता पूरे के पूरे नेता बदल गए क्या सर? नेताओं की टीम तो वही है दोनों पार्टियों में। मैं तो जी वही नेता जी, नेता जी तो उठा के रणनीति सेम है, सोचने का तरीका सेम है, पॉलिटिकल ऑफरिंग सेम है सर, आपकी होलसम पॉलिटिकल पर्सनालिटी आपके लीडर्स की सेम है, आसान समझ रहे हैं जिस तरह की बातें अभी अपने मिश्रा जी। ये तो आपकी बहुत मजबूत सीटें थी एके मिश्रा जी, क्या गठबंधन, क्या गठबंधन इन्हीं दो पार्टियों तक रहेगा, या फिर जिस तरह से मायावती कह रहे हैं कि समान विचारधारा की पार्टियों को एकजुट किया जाएगा, एक बैनर तले एक झंडे तले लेकर आया जाएगा और फिर लड़ा जाएगा चुनाव 2019 का, तो आपको लग रहा कि गठबंधन और भी ज्यादा बढ़ेगा फैलेगा? आसिफ यहाँ पे मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। देखिए गठबंधन की कवायद 2014 में भी तो गठबंधन था, मेन अगर आप देखेंगे तो एनडीए और यूपीए, अभी तो पूरे इंडिया में इलेक्शन, अब ये सवाल यही है ये गठबंधन अब एक नए सिरे से फिर बनेगा और एनडीए वर्सेस यूपीए ही होगा इलेक्शन, जो मेन इलेक्शन होते हैं ये दो पार्टियों के बीच में, आप दो अलायंसेस के बीच में होते हैं। अब सवाल ये है कि नए गठबंधन की रूपरेखा, नए गठबंधन की स्ट्रेटजी, उनकी आइडियोलॉजी, उनका लीडर कौन होगा, कैसे डिसाइड करेंगे और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हुए कितने जो है रणनीतिक दक्षता के साथ ये अपने स्ट्रेटजिक जो है जो इनकी रणनीतियां हैं उसको ग्राउंड लेवल पे ये कैसे हकीकत में उतारते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ। अभी तो मिश्रा जी मायावती तीसरा मोर्चा बनाने की तरफ लगी हुई, मायावती सॉरी नाम कह रहा है ममता जी तीसरा मोर्चा बनाने फ्रंट की तरफ लगी हुई है। आपको ऑब्जेक्शन क्या है? हम तो नहीं, मैं तो आप आपका दो ही रहने वाले हैं, मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, आप लोगों के पास भी तो 50 पार्टियां हैं लोकतंत्र में, तो ये तीसरा, मैं तो मिश्रा जी वही कह रहा हूं तीसरा मोर्चा ही बनने को तैयार बैठा है, ट्रायंगल होने वाला है, अभी आपने कहा सारे मोर्चे बीजेपी के खिलाफ ही बन रहे हैं। नहीं नहीं देखिए जब यूपीए और एनडीए है तो होगा, आज की इन्हीं के खिलाफ ही होगा ना, आज से। We'll be right back.